वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ओपन इंग्लिश बुक चैप्टर नंबर फाइव द फोक्स एंड द क्रोकोडाइल पेज नंबर थर्टी सेवन अवर टूडेज टॉपिक इज द सेंटेंस सेंटेंस आपको पता ही होगा सेंटेंस को हिंदी में हम कहते हैं वाक्य अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस सेंटेंस बहुत सारे शब्दों का बहुत सारे वर्ड्स को मिलाकर जब हम एक कंप्लीट सेंस का कोई एक वाक्य बनाते हैं उसे हम सेंटेंस कहते हैं इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप अ सेंटेंस ऑलवेज हैज़ अ वर्ब सेंटेंस क्या होते हैं सेंटेंस का मतलब हम हिंदी में वाक्य कहते हैं जब बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड्स को मिलाते हैं सिस्टमैटिक तरीके से तो वो कहलाता है सेंटेंस वो सेंटेंस बन जाता है सब वर्ड्स को मिला के जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे गए रजनी सिंह सुवेल इस तरीके जब ये अलग अलग वर्ड्स को जब हम एक साथ सिस्टमेटिक तरीके से मिलाते हैं तो वो कहलाता है सेंटेंस सेंटेंस हमेशा कब जब भी हम कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल से स्टार्ट करते हैं और एंड उसकी होती है फुल स्टॉप से फुल स्टॉप से भी होती है कभी अगर क्वेश्चन क्वेश्चन uh, है तो वो क्वेश्चन मार्क से भी एंड होता है एक्सक्लेमेशन मार्क से भी एंड होता है और फुल स्टॉप से भी सेंटेंस एंड होता है अ सेंटेंस ऑलवेज हैज अ वर्ब और हर सेंटेंस में एक वर्ब होती है सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट होता है हेल्पिंग वर्ब होती है मैन वर्ब होती है फॉर एग्जाम्पल माई मदर इज गोइंग टू द मार्केट मेरी मदर मार्केट जा रही है नेक्स्ट सेंटेंस सुमित प्लेज क्रिकेट सुमित क्रिकेट खेलता है रजनी सिंग्स वेल रजनी अच्छा गाती है शी इज टॉकिंग टू हर फ्रेंड वह उसकी फ्रेंड से बात कर रही है इस तरीके सारे अलग अलग वाक्य को हम एक लाइन में बनाते हैं सिस्टमेटिक तरीके से उनको जमाते हैं और उसका कुछ अर्थ निकल के आता है तो वह कहलाता है सेंटेंस बी मैच द कॉलम्स टू मैक मीनिंग फुल सेंटेंस हमें यहाँ पे टू कॉलम्स दिए गए कॉलम ए एंड कॉलम बी हमें मैच करना है सही सेंटेंस को सही कॉलम से हमें मैच करना है द सन राइजेस इन द ईस्ट सूरज ईस्ट में राइज होता है राइज होता है राइजेस होता है उदय होता है मदर माइमद मदर गिफ्टेड मी ए स्केट्स ऑन माई बर्थडे मेरी मदर ने मुझे मेरे बर्थडे पे स्केट दिए सही से, से हम यहां मैच करेंगे द टीचर टोल्ड टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम टीचर ने कहा कि काम को समय पे कंप्लीट कर लेना चाहिए ही लवस टू सिंग इन हिस फ्री टाइम उसको अपने फ्री टाइम में गाना बहुत पसंद है Nature is very beautiful. My pet loves to go for a walk in the evening. mere pet ko evening mein ghumna bahut pasand है। And last, the forest was full of all type of animals. तो ये हमने सारे sentence को आपस में match किया और ये meaningful sentence बन गए। इसके बाद अब next page पे आते हैं। Turn the page, page number

सेंटेंस ए हम देखते हैं सुमित हैज़ डन हिज होमवर्क सुमित ने अपना काम कर लिया है वो अपना काम कर चुका है इसको हमने अगर नेगेटिव बनाना है तो सुमित हैज नॉट डन हिज होमवर्क सुमित ने अपना काम नहीं किया तो हमने वर्ब जो थी डन काम करना किया तो उसके आगे हमने नॉट लगा के उसको नेगेटिव बना दिया सेंटेंस ए दे लाइक टू स्विम उनको तैरना पसंद है दे डू नॉट लाइक टू स्विम उनको तैरना पसंद नहीं है वो पसंद नहीं करते तैरना तो हमने लाइक like, जो वर्ब है उसके आगे डू नॉट यूज़ किया

आ, उसने अपना लंच मेरे साथ शेयर किया ही हैज़ नॉट शेयर्ड हिज लंच विद मी उसने अपना लंच मेरे साथ शेयर नहीं किया हमने इसको नेगेटिव बना दिया नंबर थ्री माई सिस्टर्स लाइक टू कीप पैट्स मेरी सिस्टर्स को पेट रखना बहुत पसंद है like माई सिस्टर्स डू नॉट लाइक टू कीप पैट्स मेरी सिस्टर को पेट रखना पसंद नहीं है नंबर फोर द बस इज मूविंग स्लोली बस बहुत धीरे धीरे चल रही है इसे हमने नेगेटिव बनाया इज नॉट करके द बस इज नॉट मूविंग स्लोली नंबर फाइव दे लाइक टू प्ले होकी दे डू नॉट लाइक टू प्ले होकी हमने सब सेंटेंस में नॉट और डू नॉट यूज करके इनको नेगेटिव बना दिया आप भी इस तरह से और भी सेंटेंसेस ट्राई कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे सेंटेंसेस हमारी बुक में होते हैं हाँ तो उनको आप नेगेटिव भी कर सकते हैं उसमें नॉट यूज़ करके डू नॉट यूज़ करके ओके okay, स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का वर्क थैंक यू हैव अ नाइस डे